हेलो फ्रेंड्स, आज शुक्रवार का दिन है और आज 10 फरवरी है, तो मैं आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। सब आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज मैं चीले बना रही हूँ लहसुन के पत्ते के। लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च और अदरक और हरा धनिया, ये इसका पेस्ट बना के इसमें आटा डाला है एक कटोरी, और आधा से ज़्यादा कटोरी सूजी डाला है, और थोड़ा सा आधा कटोरी मैंने चावल का आटा डाला है, और लाल मिर्च, नमक और हल्दी और धनिया पाउडर और जीरा, ये मिक्स करके और हींग मिक्स करके इसका पेस्ट बना के अब मैं चीले बना रही हूँ। ये देखिए, ये चीले मेरे बन रहे हैं। और टमाटर की चटनी बनाऊँगी और सूखे थोड़े से मटर की सब्ज़ी। मटर ये लोग खाते नहीं ना बच्चे, तो मैं मटर सूखे अपने लिए बनाऊँगी। और रोटी बना रही हूँ और इनकी सब्ज़ी बन रही है यहाँ, किलकी की सब्ज़ी। तो आज का ये लंच रेसिपी और लंच मेनू यही रहेगा आज। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, टमाटर की चटनी बनके तैयार है। तो यहाँ पर हमारे ऑफिस में अगरबत्ती वाला आया था ना, तो उनसे हम लोगों ने अगरबत्ती लिया, मैंने भी लिया और मेरी फ्रेंड्स लोगों ने भी लिया ऑफिस में। तो अगरबत्ती वाला हमेशा आता है और हम लोग इस तरह से लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे सेंटेड अगरबत्तियाँ ली, और दो मेरे को फूल बत्ती चाहिए थी, और एक मैंने अष्टगंध लिया और कपूर। हम लोग का लंच आवर हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाय वाय पिए। अगरबत्ती वाला आया तो अगरबत्ती खरीद लिया और अब अपनी सीट पे जा रहे हैं। ये है भैया अगरबत्ती वाले। वीक का चौथा दिन है और आज टेडी बियर डे है, तो मैं आप सभी लोगों को टेडी बियर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हैप्पी टेडी बियर डे, थैंक यू।
अब यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च और हींग वगैरह सब भून लिया था। उसके बाद दो मिनट तक भूनना मैंने, और सीटी तक मैं चलाऊंगी। अब ये देखिए मैंने चावल को भी धो लिया है और तीन पानी से
और अब मैं दूसरे कुकर में चावल को भी रख दूँगी। तो एक साइड दाल बन जाएगी और एक साइड हमारा चावल भी बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने चावल एक साइड लगा दिया है कुकर में। तो देखिए छोटे कुकर की तो सीटी भी आने लगी, एक सीटी आ गई। अब मैं ना एक तरफ आटा गूंथ रही हूँ, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, कैमरा मेरा ऐसा सेट है ना। थोड़ा सा ही आटा गूंथा है मैंने, 8-10 रोटियों का। मुझे तो सिर्फ 6 रोटी बनानी थी, 3 इनके लिए और 3 मेरी छोटी बेटी के लिए, बाकी मैं तो चावल खाने वाली थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आटा गूंथा है। तो अब बड़े कुकर में भी, चावल वाले कुकर में भी अब सीटी आ रही है। छोटा कुकर तो हो गया है, मतलब दाल बन गई है उसको। ये देखिए मेरा आटा का डो तैयार हो गया है। चावल में भी अच्छे सीटी आ रही है। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं वैलेंटाइन वीक का आज चौथा दिन है और आज टेडी बियर डे है। तो हैप्पी टेडी बियर डे आप सभी को मेरी तरफ से, हैप्पी टेडी बियर डे। मेरी ज़िंदगी में, काश मेरी ज़िंदगी में भी वो खूबसूरत पल आए, मेरा टेडी मिलते ही जानम आपको मुझसे प्यार हो जाए। हैप्पी टेडी बियर डे। वैसे तो आपको 100% पता ही होगा कि टेडी डे कब मनाया जाता है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, कि नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूं कि 2023 में टेडी डे 10 फरवरी को मनाया जाएगा, यानी मनाया जा रहा है आज के दिन। आज 10 फरवरी है, तो इस दिन आप एक अच्छा सा बियर, टेडी बियर ज़रूर खरीदें और अपने चाहने वालों को तोहफे के रूप में ज़रूर दें। इस आर्टिकल आर्टिकल में, जैसा कि मैंने आज पेपर में भी पढ़ा था, तो भास्कर में नहीं, वो कुछ अलग पेपर था, वो उसमें मैंने हिंदी में पढ़ा था। तो उस आर्टिकल में भी लिखा था कि उसमें कुछ संदेश दिए हुए थे और वो बहुत खूबसूरत संदेश थे, पर मैं ऑनलाइन में पढ़ रही थी तो उसका मैं पिक्स वगैरह ले नहीं पाई। तो इतना मज़ेदार वो पिक्स थे, या इतने मज़ेदार वो संदेश थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज टेडी बियर के दिन तुमसे वादा करता हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे पास रहूँगा, कभी दुख ना दूंगा, कभी तंग ना करूँगा। हैप्पी टेडी बियर डे। हाय टेडी, मेरे स्वीट हार्ट को कहना मैं अपनी जान को बहुत प्यार करता हूँ, एक पल भी उसके बिना दिल नहीं लगता। स्वीट हार्ट, तुम टैडी को हमेशा अपने पास रखना। हैप्पी टैडी बियर डे। खुशी का दिन, प्यारा सा दिन, ना बनाए टैडी के बिन। हैप्पी टैडी बियर डे। जो हमारा है टैडी, उसके लिए प्यारा सा टैडी। हैप्पी टैडी बियर डे। सब तेरे मोहब्बत की इनायत है, वरना मैं क्या, मेरा दिल, मेरी टैडी क्या, मेरी शायरी क्या। हैप्पी टैडी बियर डे। आजकल हम हर टेडी को देखकर मुस्कुराते हैं, कैसे बताएं उन्हें, हमें तो हर टेडी में वो ही नज़र आते हैं। हैप्पी टेडी बियर डे। अगर आप एक टेडी होते तो हम अपने पास रख लेते, डाल के अपनी झोली में, साथ साथ अपने ले चलते, हग करके रोज़ रात को अपने संग सुलाते। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी टेडी बियर डे।
तू मेरी जान है, तू मेरी लव है, तू मेरी शान है, तू मेरा दिल है। और जब भी तुझे मेरी याद सताए तो मेरे लिए इस टेडी बियर को गले लगा लेना। हैप्पी टेडी बियर डे। टेडी बियर, मेरी जान को तंग मत करना, जान का ध्यान रखना। बाबू, जब भी हम मिला करें, टेडी को साथ लेना। आई लव यू सो मच। हैप्पी टेडी बियर डे। मुझे आर्टिफिशियल टेडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास रियल टेडी है और वो हो तुम। हैप्पी टेडी बियर डे। यादों का यह कारवां हमेशा रहेगा, दूर होते हुए भी प्यार वही रहेगा। माफ़ करना मिल नहीं पाते आपसे, मगर यकीन रखना हर साल टेडी ज़रूर पहुँचेगा। हैप्पी टेडी बियर डे। एक अच्छा इंसान हमेशा याद रहता है, एक प्यारा इंसान हमेशा ख्वाबों में रहता है, लेकिन एक मुखलिस इंसान हमेशा दिल में रहता है। हैप्पी टेडी बियर डे। चॉकलेट की खुशबू, आइसक्रीम की मिठास, प्यार की मस्ती और हाथों का स्वाद, हंसी के गुब्बारे और तुम्हारा साथ। मुबारक हो आपको टेडी डे का त्यौहार। हैप्पी टेडी बियर डे। कुछ एहसासों के साए दिल को छू जाते हैं, कुछ मंजर दिल में उतर जाते हैं, बेजान गुलशन में भी फूल खिल जाते हैं जब जिंदगी में आप जैसे दोस्त मिल जाते हैं। हैप्पी टेडी बियर डे। प्यार के तोहफे में टेडी बियर भेज रहा हूँ, टेडी की जुबानी तुमसे आई लव यू कह रहा हूँ। हैप्पी टेडी बियर डे। मेरी सारी रातें खूबसूरत होती अगर टेडी बियर की जगह मेरी बाहों में तुम होती। हैप्पी टेडी बियर डे माई लव। मैं तुमसे हर दिन मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा गले लगाना ही मेरे लिए प्यार है। हैप्पी टेडी बियर डे। टेडी को दिल की ज़रूरत नहीं होती है, वे पहले से ही प्यार से भरे होते हैं। ये टेडी तुम्हारे लिए मेरा प्यार दिखाएगा। हैप्पी टेडी बियर डे। तुम मेरे लिए क्यूट टेडी की तरह हो, क्योंकि तुम्हें गले लगाकर मेरे दर्द और तनाव गायब से हो जाते हैं। पत्नी को गले लगाकर आपके दर्द दूर तो हो जाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आपके लिए वो टैडी ही है। हैप्पी टैडी बियर डे। ये बहुत अच्छा एहसास है कि आपके पास अपना टैडी है, जिसे आप रात में गले लगाकर अच्छी नींद ले पाते हैं। हैप्पी टैडी बियर डे। तुम टैडी से कहीं ज़्यादा क्यूट और प्यारी हो, इसलिए मैं तुमसे खूब प्यार करता हूँ। हैप्पी टैडी बियर डे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने टेडी बियर डे के उपलक्ष में ये कितनी सुंदर सुंदर शायरी और शायराना अंदाज में ये जो कोट्स थे ये मैंने आप लोगों को बताए, और आप लोगों ने अच्छे से सुना भी होगा और आप लोगों ने इस कोट्स को सुन के बहुत एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए, मेरा टेडी भी मेरे पास ही है, ये देखिए ये है मेरा टैडी। तो मुझे टैडी बियर बहुत पसंद है, बट मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि क्या छोटे बच्चों जैसे करती हो और ये और वो। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, बस बेडरूम में मुझे टैडी होना चाहिए, बेड के बीच में, मतलब दोनों पिलोस के बीच में ऐसे मैं पहले रखा करती थी इसको। और बच्चों को भी पसंद है, तो पहले तो बच्चे बहुत खेलते थे, और हर बेडरूम में आपको ये टैडी तो मिल ही जाएगा, और मेरा ऑफिस में भी एक टैडी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको रखना और देखना और सजा के रखना, मतलब डेकोरेट करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत मज़ा आता है इसको देखकर, तो दिल खुश हो जाता है इसको देखने के बाद, इसलिए रखती हूँ मैं। तो चलिए, आज सब लोगों ने, आप लोगों ने टेडी बियर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा इसी आशा के साथ। अब 10:15 हो गए हैं, तो मैं खाना खाऊँगी। अब सबका खाना हो गया है हमारे घर में, मैं बची हूँ। तो बस चलिए, आज के ब्लॉग को और आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए, कल है प्रॉमिस डे, कल 5वां दिन है इसका, वैलेंटाइन वीक का। तो कल प्रॉमिस डे मनाएंगे अपन लोग और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और वादा भी करेंगे एक दूसरे से कि हम सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलकर रहें और एक साथ एक दूसरे के
दुख दर्द को समझकर एक एक दूसरे के काम आए, और ऐसा फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया की जो फ्रेंडशिप है अपन लोगों की, ये हमेशा कायम रहे, ऐसी बनी रहे। तो ऐसी इसी तमन्ना के साथ अगले साल और भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जुड़ जाएंगे सोशल मीडिया पे। तो ऐसी तमन्ना के साथ मैं आज का वीडियो एंड करना चाहती हूँ। तो आप लोग बहुत अपना ध्यान रखिएगा, और सबको बहुत बहुत गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल।